डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर में आगे बढ़ते समय आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना सीखेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरह से फॉर्म करते हैं आज हम इसके बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते हुए। किन चीज़ों का ध्यान रखना है इसे हम पॉइंट वाइज समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो भी गिवन इक्वेशन है उस गिवन इक्वेशन को हमें लिख लेना है। हमारे गिवन इक्वेशन में जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो, और आर्बिट्री कांस्टेंट्स होंगे वहाँ पर। जनरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा एक्स होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा वाई होता है, और आर्बिट्री कांस्टेंट आपके इक्वेशन में कुछ भी रह सकता है। वहाँ पर इक्वेशन में इस बात का मेंशन जरूर किया हुआ रहेगा कि ये आर्बिट्री कांस्टेंट है। सबसे पहले आप अपने उस गिवन इक्वेशन को लिख लेंगे। उसके बाद मान लीजिए कि आपके इक्वेशन में बहुत सारे आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। मान लीजिए कि आपके n आर्बिट्री कांस्टेंट हैं। अब अगर आपके इक्वेशन में n आर्बिट्री कांस्टेंट हैं तो आपको उस इक्वेशन को n बार डिफरेंशिएट करना होगा। जी हाँ, यहाँ पर बात डिफरेंशिएशन की हो रही है। हमें अपने इक्वेशन को, कौन सा इक्वेशन जो हमने स्टेप नंबर वन में लिखा है, उस स्टेप नंबर वन में लिखे हुए इक्वेशन को हमें डिफरेंशिएट करना है। अब सवाल ये उठता है कि कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो जितनी बार हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स हमारे इक्वेशन वन में होंगे, हमें उस इक्वेशन को उतनी बार डिफरेंशिएट करना है। क्योंकि हम बात कर रहे थे कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, तो जितने भी डिफरेंशिएशन किए जाएंगे वो सारे के सारे एक्स के रिस्पेक्ट में होंगे। सारे के सारे डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स बोला है। और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपके जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट हैं उतने टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। अगर किसी इक्वेशन में दो आर्बिट्री कांस्टेंट हैं तो आप उस इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। अगर किसी इक्वेशन में तीन आर्बिट्री कांस्टेंट हैं तो आपको उस इक्वेशन को तीन बार डिफरेंशिएट करना होगा, और हर बार डिफरेंशिएशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा एक्स है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही हर बार डिफरेंशिएशन होगा। अभी तक हमने दो चीज़ें सीखी हैं। पहला चीज़ हमने ये सीखा कि हमें अपने इक्वेशन में जो भी क्वेश्चन में इक्वेशन है उसको लिखना है, और उस इक्वेशन में ध्यान इस बात का रखना है कि हमारे कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे हमें उतनी बार डिफरेंशिएट करना है। अब इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं, जितनी बार डिफरेंशिएशन आप करेंगे, हर बार जो भी नया इक्वेशन आएगा डिफरेंशिएशन करने के बाद उसे आप इक्वेशन नंबरिंग करेंगे। हर बार डिफरेंशिएशन करने के बाद जो इक्वेशन आएगा उसे हम एक नंबरिंग कर देंगे कि ये हमारा इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है, ये इक्वेशन थ्री है, ये इक्वेशन फोर है, ऐसे करके नंबरिंग करना है। सबसे पहला इक्वेशन आप उसको लिखिएगा जो आपने स्टेप नंबर वन में लिखा था। स्टेप नंबर वन में लिखा गया इक्वेशन हमेशा आपका इक्वेशन नंबर वन बनेगा। फिर पहली बार डिफरेंशिएट करके जो आएगा वो इक्वेशन नंबर टू, इसके बाद जो डिफरेंशिएट करके आएगा वो इक्वेशन नंबर थ्री, इस तरह से करके आप आगे बढ़ेंगे। हर स्टेप के डिफरेंशिएशन पर आप उसको नंबरिंग करते चले जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, जब सारे डिफरेंशिएशन ख़त्म हो जाएँ, यानी जितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं उतनी बार डिफरेंशिएट करके एक इक्वेशन फॉर्म कर लेने के बाद, आपको उन सारे इक्वेशंस को आपस में कुछ इस तरह से सॉल्व करना है कि आपके आर्बिट्री कांस्टेंट को वहां से हटा दिया जाए। आपके पास जितने भी इक्वेशंस बने हैं, इक्वेशन नंबर वन हो, इक्वेशन नंबर टू हो, इक्वेशन थ्री हो, इक्वेशन फोर हो, उन सारे इक्वेशन की हेल्प से आपको उसको इस तरह से सॉल्व करना है कि
आर्बिट्री कांस्टेंट हट जाए, क्योंकि फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट नहीं होता है। हमने जैसे पिछली बार बात किया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और डिफरेंशियल कोफिशियंट यानी डीवाई बाई डीएक्स की फैमिली का कोई भी मेम्बर होगा, उसमें आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स नहीं रहेंगे। तो हमें ये स्टेप नंबर 4 में जितने भी इक्वेशंस आए हैं उन सभी इक्वेशंस को आपस में इस तरह से सॉल्व करना है कि हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट वहाँ से हट जाए। अब आर्बिट्री कांस्टेंट को किस तरह से हटाया जाता है इसे समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इस चीज़ को समझेंगे। बस आप इतना ध्यान रखिए कि अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने की बात की जाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए आपको यही 4 स्टेप करने रहते हैं। इसमें ये चौथे वाले स्टेप में आपको थोड़ा ध्यान से समझना रहता है कि हम किस तरह से इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाते हैं। एक बार अगर आपका इक्वेशन सॉल्व होकर आर्बिट्री कांस्टेंट हट जाए तो उसके बाद जो आपके सामने इक्वेशन आएगा वही आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगा।